आजादी के 75वें वर्षगांठ पर शहीदों के बलिदान को याद करने के लिए महानगर कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में अमर शहीद विस्मिल पार्क से आजादी की गौरव तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसके संबंध में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव त्रिभुवन नारायण मिश्र ने बताया कि आजादी के 75वें वर्षगांठ पर तिरंगा यात्रा निकाला गया है, जिससे लोग अमर शहीदों को याद कर सके। जिन अमर शहीदों ने आजादी के लिए अपना बलिदान दे दिया, कांग्रेस पार्टी अमर शहीदों को याद करते हुए भारत जोड़ अभियान के तहत गौरव तिरंगा यात्रा निकाली है। इस अवसर पर कांग्रेस कमेटी के महानगर अध्यक्ष आशुतोष तिवारी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव त्रिभुवन नारायण मिश्र ने कहा, मन का राजनीति का शुभारंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके संरक्षण में हम सभी महानगर के कांग्रेस के लोग, हमारे वरिष्ठ सम्मानित कांग्रेस जन, उनको नमन करते हुए उनके द्वारा दी गई इस आज़ादी को, हम सौभाग्यशाली हैं कि आज 75वां वर्ष मना रहे हैं आज़ाद देश को, नमन करते हुए हम लोग इस यात्रा की शुरुआत करेंगे। आप सबसे अनुरोध है कि इस यात्रा की शुरुआत करने के पहले शहीद वीरों को नमन करते हुए, अब महात्मा गांधी जी को नमन करते हुए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को नमन करते हुए, राष्ट्र इंदिरा गांधी जी को नमन करते हुए, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को नमन करते हुए, डॉक्टर अंबेडकर जी को नमन करते हुए, अशफाकुल्ला खान, अपनी भारत माता को नमन करते हुए राष्ट्रगान करेंगे। राष्ट्रगान करने के बाद यहां से निकलेंगे और जो हमारे महापुरुषों की मूर्तियां लगी हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, नारायण मिश्रा प्रदेश महासचिव। तिरंगा यात्रा आज जो निकाला जा रहा है, एक तो आजादी का 75वां वर्षगांठ है, दूसरे जो लोग इस आजादी की लड़ाई लड़े देश की एकता और अखंडता के लिए, स्वतंत्रता तो उनका मकसद था ही, गरीबों मजलूमों की सरकार हो, आज जो सरकार बैठी है वो सरकार गरीबों मजलूमों की सरकार नहीं है। वो सरकार देश की एकता अखंडता की बात तो करती है, लेकिन इसको बराबर खंडित करने का काम कर रही है, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, भाषा के नाम पर, बोली के नाम पर। आज कांग्रेस पार्टी आज़ादी के उन दीवानों को याद करते हुए देश की एकता को बनाए रखने के लिए भारत जोड़ो अभियान के तहत आज ये गौरव यात्रा हम निकाल रहे हैं।